हमारे साथ अभी मौजूद है वीरेंद्र सिंह जी, आइए उनसे बात करते हैं और उनके कार्यकर्ताओं के बीच में जो उत्साह देखने को मिल रहा है और विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां चल रही है और लोगों के बीच में क्या वो किस तरह से अपना योगदान कर रहे हैं, आइए उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। वीरेंद्र कादियान जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टार सवेरा न्यूज़ में। सर, आपकी क्या तैयारियाँ चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? हमारे डोर टू डोर और पब्लिक मीटिंग चल रही। सर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का पहले भी यहाँ से ये रहा है विधायक, तो अभी जो यहाँ की जनता है दिल्ली के एंड की, वो अभी और उम्मीद लगा रही है आपसे, तो क्या आप उन उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे? बिल्कुल कोशिश करेंगे उम्मीदों पे खड़े उतरने की, जो पार्टी का आदेश है वो करेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत काम किए हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य के लिए, बिजली पानी के लिए, और दिल्ली कैंट में मीठा पानी आया है। दिल्ली कैंट की कई समस्याएं हैं, उनको निपटारा करेंगे। झुग्गियों में बिजली का प्रबंध करेंगे, आते ही 2 महीने के अंदर बिजली लगवा देंगे, सोलर लाइट। सर, एक सवाल है आपसे, जैसे आम आदमी पार्टी ने भी महिलाओं के लिए बसों में BTC बस फ्री कर दी है, तो क्या चुनाव के बाद भी ये जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। 5 साल गारंटी कार्ड जारी किया पार्टी ने, जिसमें इवन स्टूडेंट्स को भी फ्री कर दिया जाएगा। और पोल्यूशन, यमुना का पानी साफ, कई और मुद्दे हैं महत्वपूर्ण मुद्दे, DTC बसें और आएंगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कार्य किए जाएंगे, लाइटें लगाई जाएंगी। तो दिल्ली सरकार फ्री महिलाओं का बस पास तो जारी रखेगी और स्टूडेंट्स को भी देगी। जिस तरह पार्टी ने आप पे एक तरह से भरोसा जताया है यहाँ दिल्ली गेट को लेकर के, तो आप जनता से किस प्रकार जुड़ रहे हैं यहाँ के? जनता बदलाव से बहुत खुश है और जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा। आम आदमी पार्टी ने बहुत से सेंट्रल लेवल पर काम करे हैं जो जनता को डायरेक्ट बेनिफिट कर रहे हैं, जैसे तीर्थ यात्रा और स्कूल, शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, बहुत से ऐसे काम किए हैं जो मैनिफेस्टो के अलावा किए हैं। जो पहली पार्टी है जिसने मैनिफेस्टो के अलावा भी बहुत से काम किए हैं, जिससे जनता बहुत खुश है और आने वाले समय में और अधिक काम करके दिखाएंगे। जैसे पिछले बार आपने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी 67 सीट के साथ और BJP 3 पे सिमट गई थी, कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुला था, इस बार क्या यही ऐतिहासिक जीत आप फिर से दोहराएंगे? अब की बार 67 पार का नारा है, 70 की 70 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। तो जनता जो उम्मीद जताई है दिल्ली कैंट से, एक बार दोबारा केजरीवाल या फिर दूसरी पार्टी को इस बार मौका मिलेगा? केजरीवाल जी के नाम पे वोट पड़ेगा। केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, उनकी नीतियां हैं, उन्होंने जो जनता की भलाई के लिए जो काम किए हैं, उससे जनता खुश है और 70 की 70 सीटें दोबारा आएंगी। दिल्ली कैंट विधानसभा में कोई समस्या? सर, दिल्ली कैंट विधानसभा की समस्या है कि रिप्लेस ब्रास के जो पानी, शौचालय और लाइट, और यहाँ पे लीज म्यूटेशन, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्षेत्र के अनुसार, क्योंकि यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्र, 4 गांव हैं, झुग्गियाँ हैं, आर्मी एरिया है, NDMC पोस्ट एरिया भी है, तो अलग अलग जगह की अलग अलग समस्याएं हैं जो हमने दे दी हैं कि आते ही 3 महीने के अंदर हम उनका निपटारा करेंगे। जैसे आप इसमें आते हो, आपकी जीत होती है यहाँ से, तो आप सबसे पहले किन समस्याओं का समाधान करेंगे? सबसे पहले तो मैं अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि बसों की समस्या है, नांगल, सदर बाज़ार, बहराम नगर, जेड़ा में बसों की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, मोहल्ला क्लिनिकें और खोलेंगे, आपके बिजली के मैंने बताई दिया है, झुग्गियों में बिजली का प्रबंध किया जाएगा, शौचालय का प्रबंध किया जाएगा, इसके अलावा मोतीबाग की अलग समस्या है, वो कनेक्टिविटी की, एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, वहाँ पर ATM नहीं है कहीं भी पूरे मोतीबाग, वहाँ वो लगाया जाएगा, CCTV कैमरे और लगाए जाएंगे, तो इसके अलावा साफ सफाई का प्रबंध किया जाएगा, ये हमारी प्राथमिकता पर है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।